is my asthma related to my allergy, or is my allergy related to asthma? So this is a question which has not yet been answered completely. Yes, asthma is also a form of allergy, and yes, allergy can also manifest itself in the form of asthma. Basically, asthma में क्या होता है कि आपकी सांस की नलियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर swelling, inflammation और उसके अंदर बहुत सारा बलगम जमना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हवा का आना जाना मुश्किल हो जाता है, रुकावट महसूस होती है, आपको चेस्ट में कंप्रेशन टाइटनेस महसूस होती है. यस, ये किसी एलर्जन से भी प्रेसिपिटेट हो सकता है, जिसको हम लोग अटोपिक एस्थमा कहते हैं. इसके लिए एक इंसान को अपने एलर्जन आइडेंटिफाई करने जरूरी हैं, जो कि उसे खुद भी करना जरूरी है. प्लस वी हैव अ बैटरी ऑफ टेस्ट विच कैन हेल्प अस आइडेंटिफाई द एलर्जन वी आर पर्टिकुलरली एलर्जिक टू, एंड वंस वी हैव आइडेंटिफाइड दैट वी नीड टू अवॉइड दोज एलर्जन. We need to keep our medicines handy if in case of an allergic attack. And yes, we need to be on medicines as per our doctor's advice. That means, अगर हमें कभी बोला गया कि maintenance dose पे लेके अगर उसको हम अगर maintain कर सकते हैं अपने asthma को, तो yes, we need to do that instead of stopping it at our own behest. By doing these simple few steps, I think we can very well control asthma attacks and lead a very normal life. Thank you.